विरोधियों ने भी मान लिया है, फिर एक बार इसका सबूत है कि तीसरा चरण होते होते अब ये लोग फिर अब मोदी को गाली देते देते थक गए, देश की जनता को मोदी की गाली उनके गले उतर नहीं रही है, ऊपर से लोग गुस्सा कर रहे हैं, अब इसलिए इन्होंने क्या किया है, अब रातों रात गोली गालियां देने की आदत तो जाएगी नहीं, तो उन्होंने अपनी तोप का मुंह यूं कर दिया है। अब उन्होंने क्या किया है, जितनी गालियां मोदी को देते थे अब कल से उन्होंने ईवीएम को गालियां देना शुरू कर दिया है। अपनी नाकामी का, अपने पराजय का ठिकरा ईवीएम पर फोड़ने की तैयारी कर ली है। भाई आपने देखा होगा जो बच्चा स्कूल में एग्जाम देकर के आता है और अगर उसको पता है कि मामला जमा नहीं है तो घर आके ही शुरू कर देता है, पानी नहीं था, बेंच अच्छी नहीं थी, पेन बीच बीच में चलती नहीं थी और पेपर भी सामने बड़े देर से दे दिया और जो आंसर पत्र था उसका कागज भी ठीक नहीं था, वो शुरू कर देता है। एग्जाम का रिजल्ट आने से पहले आपने देखा होगा ऐसे कुछ चतुर बच्चे होते हैं, वो माँ बाप को पहले दिन समझा देते हैं, इस बात का जवाब नहीं देते हैं कि भाई तुम लिख कर क्या आए, नहीं बताते। और रिजल्ट आता है तो माँ बाप भी मान लेते हैं, हाँ हाँ बच्चा सही कहता था, पेन ठीक नहीं थी। इन्होंने भी अभी से माहौल बना दिया है ईवीएम में गड़बड़ है। अब बेचारी वोट डालने वाली मशीन भी क्या करे, देश की जनता जब अपने चौकीदार पर इतना प्रेम बरसा रही है तो बेचारी उस मशीन को भी गाली खानी पड़ रही है, उसके नसीब में भी गाली आ रही है। साथियों ईवीएम पर विपक्षियों का ये रोना इसलिए भी हो रहा है क्योंकि ये लोग इन महामिलावटियों को वोट देकर अपना वोट बेकार नहीं जाने दे रहे हैं।